Today we'll start a new lesson, biological classification. Biological classification. Last lesson में हमने discuss किया था कि why there was a need of क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स, क्या क्या टूल्स हम उसके लिए यूज करते हैं एंड हाउ द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन अकर्स। अब इसको इसी पैरामीटर्स को हम आगे प्रोसीड करते हुए और डिटेल में क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे। अब हमें पता है कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। अगर हम रिकैप करें पिछले लेसन को तो बायोडाइवर्सिटी रिच है, कितनी है 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज हैं, जिसमें से 1.2 एनिमल स्पीशीज हैं, बाकी प्लांट स्पीशीज हैं। सो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है टू स्टडी ईच वन या ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो इसी प्रोसेस को पॉसिबल करने के लिए देयर इज नीड ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स। और क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, सो इट इज नोन एज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है एंड सच एरियाज आर नोन एज बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स। सच एरियाज आर नोन एज बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स, ऐसे एरिया जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो दो एरिया स्पेशली इंडिया में अगर हम बात करें तो ईस्टर्न हिमालय एंड वेस्टर्न घाट्स, दीज आर द टू एरियाज हैविंग रिच बायोडाइवर्सिटी, सो दे आर नोन एज बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स। सो क्लासिफिकेशन की इसीलिए जरूरत पड़ती है। सो क्लासिफिकेशन क्या प्रोसेस है? क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच देयर इज अ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। सो क्लासिफिकेशन है ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स किसके बेसिस पे? बेस्ड ऑन इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। ऐसे कैरेक्टर्स जिसको हम इजिली ऑब्जर्व कर सकें, ऐसे कैरेक्टर्स के बेसिस पे अगर हम ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप करते हैं, दैट इज नोन एज क्लासिफिकेशन। अब इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेस पे तो हम कह सकते हैं दिस इज अ प्लांट, दिस इज एन एनिमल, राइट। लेकिन अगर मैं कहूं मैमल वर्ड तो यू विल टेक सम टाइम, यू विल थिंक, राइट। क्यों? मैमल्स के दो कैरेक्टर्स कौन से हैं? कि सिंपली मैंने वर्ड यूज किया, आई सेड प्लांट और एनिमल, तो यू कैन इजिली उनके जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं उसके बेसिस पे यू कैन इजिली टेल कि प्लांट्स जिसमें ब्रांचिंग होती है एंड विच आर हैविंग लीव्स और जो मूव नहीं करते, या इन रेदर आई सेड लोकोमोशन जिनमें नहीं होता। लेकिन अगर एनिमल्स में मैं वर्ड यूज करूं मैमल्स, इट विल टेक सम टाइम फॉर यू टू टेल, बिकॉज मैमल्स के दो बेसिक फीचर्स बता सकता है कोई? दो बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं, बॉडी हेयर्स एंड एक्सटर्नल ईयर्स। बॉडी ईयर एंड एक्सटर्नल ईयर्स आर टू बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स,
तो इसलिए ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स के बेसिस पे हम ग्रुपिंग कर देते हैं ऑर्गेनिजम्स की। बट सिविलाइजेशन जब से स्टार्ट हुई उसके बाद से लोगों ने फाइंड आउट करना शुरू किया, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना शुरू किया। तो जो मेन पर्पस है क्लासिफिकेशन का, द मेन पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन इज, क्या पर्पस है? टू फाइंडिंग आउट रिलेशनशिप, टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स, टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स। कि दे हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, हाउ दे डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, सो दैट इज द मेन पर्पज ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स। सो देर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स, आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तीन मेन सिस्टम्स हैं, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बट अब हम फेनेटिक सिस्टम को भी डिस्कस करते हैं। सो यू कैन सी फोर, सो सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, और इसमें सबसे पहला जो सिस्टम है दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम या आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी आप कह सकते हो, इज द फर्स्ट मेथड जिसमें सिर्फ सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को डिस्कस किया गया। फर्स्ट अटेम्प्ट था इट वॉज फर्स्ट अटेम्प्ट एंड इट वॉज प्रपोज बाय लीनियस। आर्टिफिशियल सिस्टम वॉज लीनियस। लीनियस, कैरोलस लीनियस प्रपोज्ड दिस सिस्टम। तो लीनियस ने क्या कहा कि देयर इज अ रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स, और उसने उसका जो बेसिस था, आर्टिफिशियल सिस्टम मेनली किसके बेस ऊपर बेस्ड है? इट इज मेनली बेस्ड ऑन सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस ऊपर बेस्ड है। लाइक सुपरफिशियल कैरेक्टर्स में क्या क्या आ जाता है, लाइक हैबिट, कलर, नंबर, हैबिट, कलर, नंबर ऑफ लीव्स, एक्सेट्रा। तो वो बेस्ड थे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे और एंड्रोशियम सिस्टम, जो किसने दिया था? लीनियस ने। और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के ऊपर जो बेस्ड होते हैं दैट इज कॉल्ड सुपर आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब मैं बात कर रहा था कि लीनियस ने किस बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया या लीनियस ने कैसे इसके ऊपर काम किया। लीनियस, कैरोलस लीनियस, लीनियस का जो आर्टिफिशियल सिस्टम था इट वॉज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्टेमन एंड कार्पल्स, नंबर ऑफ स्टेमन्स एंड कार्पल्स।
नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ स्टेमंस। कार्पल्स उसके नंबर के ऊपर, और उसमें उसने उनके लेंथ को भी डिस्कस किया, कंसिडर किया, उनका उनके नंबर को भी कंसिडर किया, और उसने इन फाइंडिंग्स को अपनी बुक जेनेरा प्लैंटेरम में पब्लिश किया। जेनेरा प्लैंटेरम, सो जेनेरा प्लैंटेरम वाज रिटन बाय कैरोलस लिनियस। जेनेरा प्लैंटेरम 1737 में उसने इसको पब्लिश किया। सो इसलिए लिनियस के सिस्टम को सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। सो इट इज ऑल्सो नोन एज सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्योंकि सेक्सुअल कैरेक्टर्स को उसने डिस्कस किया। वैसे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को लेते हैं, लेकिन लिनियस ने सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, स्टेमन के नंबर और अरेंजमेंट को डिस्कस किया। सो उसको सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। अब जो प्लांट क्लासिफिकेशन लिनियस ने प्रपोज की, इट वॉज बेस्ड ओनली ऑन फ्यू फ्लोरल कैरेक्टर्स ओनली। Only few floral characters were considered. ये इसका ड्रॉबैक भी रहा कि सिर्फ थोड़े से कैरेक्टर्स को ही उसने कंसिडर किया। उसने वर्ड यूज किए मोनएंड्रिया, डायएंड्रिया, ट्राइएंड्रिया एंड सो ऑन। राइट, मोनेंड्रिया लाइक मोनेंड्रिया, मोनेंड्रिया मोनो मीन्स वन, तो वन स्टेमन है, तो मोनेंड्रिया, डायएंड्रिया टू के लिए एंड सो। राइट, सो दिस वाज द सिस्टम प्रपोज्ड बाय कैरोलस लिनियस, जो कि आर्टिफिशियल सिस्टम्स के ऊपर बेस्ड था। सो बट आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज नॉट यूज्ड नाउडेज, राइट, एक्सेप्ट फॉर हेल्पिंग आउट द स्टडी आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्टेन प्लांट्स। तो इसको बहुत ज्यादा अभी स्टडी नहीं किया जाता, बट फर्स्ट अटेम्प्ट था, इनिशियल अटेम्प्ट था, इट वॉज गुड वन ऑल्सो। सो उसके बाद जो एरिस्टोटल है, एरिस्टोटल ने ज्यादा साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, एंड उसने भी मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स को यूज किया, और उसके बेसिस पे प्लांट्स को ट्रीज, शर्ब्स और हर्ब्स में डिवाइड कर दिया। ट्रीज, शर्ब और हर्ब्स में उसने उसको डिवाइड कर दिया प्लांट्स को। अब बात आती है लिनियस के बाद एरिस्टोटल की। सो ही क्लासिफाइड प्लांट्स इनटू हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज। तीन ग्रुप में किसके बेसिस पे, अगेन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पे ही, क्योंकि हम आर्टिफिशियल सिस्टम की बात कर रहे हैं। और उसने एनिमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ये तो प्लांट्स के लिए होगी, और एनिमल्स को भी दो ग्रुप में डिवाइड किया, एनएमा एंड इनएमा।
इनेमा एंड एन इनेमा, कि उनका जो ब्लड ग्रुप है, सॉरी जो ब्लड है वो रेड कलर का है कि नहीं है। तो ए मीन्स एब्सेंट होता है, सो रेड कलर ऑफ ब्लड एंड विदाउट कलर, विदाउट रेड कलर, उसके बेसिस पे उसने एनिमल्स को ग्रुप रिजर्व कर दिया, एनिमल को क्लासिफाई कर दिया। और जैसे लीनियस ने बुक लिखी थी जेनेरा प्लांटेरम, लीनियस की बुक थी जेनेरा प्लांटेरम, ऐसे ही एरिस्टोटल ने एक बुक लिखी हिस्टोरिया प्लांटेरम। फर्स्ट बुक ऑफ बॉटनी कहा जाता है इसको, हिस्टोरा प्लांटेरम। हिस्टोरा प्लांटेरम इट इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट बुक ऑफ बॉटनी। सॉरी, फर्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी, हिस्टोरा हिस्टोरिका, वो थियोफ्रेटस की बुक है, हिस्टोरिया एनिमेलियम, हिस्टोरिया हिस्टोरिया एनिमेलियम। एनिमल्स की हम बात कर रहे थे, तो फर्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी कहा जाता है इसको, फर्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी। वाज रिटन बाय एरिस्टोटल। इसके अलावा एक और बुक लिखी थी एरिस्टोटल ने, स्केला नेचर, स्केला नेचर। ये दोनों बुक्स, और जबकि जेनरल प्लेटरम वाज रिटन बाय थियोफ्रेटस, रोट द हिस्टोरा प्लेटरम जो फर्स्ट बुक ऑफ बोटनी कहलाती है। थियोफ्रेटस, थियोफ्रेटस, थियोफ्रेटस ने लिखा, लिखी बुक हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम। इट इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट बुक ऑफ बॉटनी। तो चार बुक अभी तक हमने डिस्कस की, जेनेरा प्लांटेरम बाय कैरोलस लिनियस, हिस्टोरिया एनिमेलियम एंड स्केला नेचर बाय एरिस्टोटल, एंड हिस्टोरिका हिस्टोरिया प्लांटेरम बाय थियोक्रेटस। और जो हिस्टोरिया प्लांटेरम लिखी थियोक्रेटस ने, ही क्लासिफाइड 480 प्लांट्स इन दिस बुक, 480 प्लांट्स। और पहली बुक थी क्योंकि ये लिखी गई थी 371 BC में, 371 BC में लिखी थी थियोफ्रेटस ने। सो आर्टिफिशियल सिस्टम, ऑल्दो इट वाज वेरी सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे था, बट इट गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल करेक्टर्स। इनिशियली वेजिटेटिव करेक्टर्स को कंसिडर किया, लेकिन बाद में इक्वल वेटेज वॉज गिवन टू सेक्सुअल करेक्टर्स ऑल्सो, क्योंकि शुरू में हमने लिखा था वेजिटेटिव करेक्टर्स एंड, लेकिन बाद में क्योंकि स्टेमन और उसके बेसिस पे किया था, तो वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल करेक्टर्स इक्वल वेटेज वॉज गिवन टू बोथ दिस टाइप ऑफ करेक्टर्स, इक्वल वेटेज। ओके,
why this system of classification is not followed now. Artificial system of classification not followed now. उसका रीजन ये है कि दोनों टाइप के कैरेक्टर्स को, वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इक्वल कैरेक्टर्स इक्वल वेटेज दिया गया, एंड वी नो दैट वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर इजीली अफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल कंडीशन. इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव प्लस सेक्सुअल कैरेक्टर्स. But vegetative characters are easily affected by environmental conditions. इसलिए आजकल इसको follow नहीं किया जाता. इसके ये कुछ ड्रॉबैक्स है. तो एडवांटेज तो क्या हो गया, इजी टू टैक्सा एट एनी टाइम, इजी टू यूज. बट डिसएडवांटेज ये रह गया कि इसमें एक तो जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं वो इजीली अफेक्टेड हो जाते हैं, एंड नो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स वाज स्टडीड. नो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप among organisms was studied या considered. तो इसलिए इसको अभी follow नहीं किया जाता, आजकल हम इसको follow नहीं करते हैं. So these are the disadvantages you can say of artificial system of classification. So to move further, the second type of classification system, that is natural system of classification system, was proposed. So second type kya ho gaya, natural system of classification. Artificial mein superficial morphological characters ke base pe tha. Now natural system of classification, तो जो पहला अटेम्प्ट था सबसे आर्टिफिशियल नेचुरल सिस्टम का, इट वाज गिवन बाय जॉन रे. फर्स्ट अटेम्प्ट किसने किया, जॉन रे ने. और अगर हम इसको कंपेयर करें विद आर्टिफिशियल सिस्टम, सो इट इज बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटी बिटवीन ऑर्गेनिजम्स. इट इज बेस्ड ऑन नेचुरल affinity between organisms, based on natural affinity among organisms. And not only external characters, internal features like anatomy and embryology were also considered. And internal characters, external तो थे ही थे, internal characters were also studied. तो ज्यादा broad aspect में organisms को study किया गया as compared to artificial system. ठीक है, तो सबसे पहला कंसेप्ट किसने दिया, जॉन रे. नेचुरल सिस्टम में फर्स्ट अटेम्प्ट जॉन रे का था. जॉन रे ने स्पीशीज कंसेप्ट भी दिया था, अगर आपको याद हो तो. स्पीशीज कंसेप्ट वाज आल्सो प्रपोज्ड बाय जॉन रे. तो पहला अटेम्प्ट दिया जॉन रे, उसने बहुत सारे प्लांट्स को, एनिमल्स को, उनके नेचुरल रिलेशनशिप के ऊपर
डिस्कस किया, उसने कहा कि जो स्पीशीज है, स्पीशीज इज असेंबलीज ऑफ इंडिविजुअल्स, स्पीशीज एक ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का। और उसने तीन वॉल्यूम पब्लिश किए हिस्टोरिका जेनरलिस प्लेंटेरम के, हिस्टोरिका जेनरलिस प्लेंटेरम, हिस्टोरिका जेनरलिस प्लेंटेरम। थ्री वॉल्यूम्स जिसमें उसने 18,000 टाइप के प्लांट्स को डिस्क्राइब किया, मोर देन 18,000, 18,000 प्लांट्स वर डिस्क्राइब्ड बाय जॉन रे इन थ्री वॉल्यूम्स ऑफ हिस्टोरिका जेनरलिस प्लांटेरम। उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट किया जैसे उन्हें, जिसको मॉडिफाई कर दिया एपी कैंडोल ने, बट सबसे सक्सेसफुल, सबसे बढ़िया जो सिस्टम दिया सीड प्लांट्स के लिए, इट वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। इट वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर, बेस्ट नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर प्लांट्स, और अदर वी कैन से सीड प्लांट्स, नेचुरल सिस्टम फॉर सीड प्लांट्स, नेचुरल सिस्टम फॉर सीड प्लांट्स वॉज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। और उन्होंने भी तीन वॉल्यूम्स लेके, तीन वॉल्यूम में पब्लिश करवाया ये सारा काम जेनरा प्लेंटेरम के। ये था हिस्टोरिका जेनरलिस प्लेंटेरम, और उन्होंने किस में करवाया, हिस्टोरिक जेनरा प्लेंटेरम में, जेनरा प्लेंटेरम। इसके भी थ्री वॉल्यूम्स में उन्होंने सीड प्लांट्स की नियरली या मोर देन 97,000 स्पीशीज, 97,000 प्लस स्पीशीज ऑफ द प्लांट्स, सीड प्लांट्स को उन्होंने डिस्क्राइब किया। बहुत इलाबोरेट सिस्टम दिया, बहुत इलाबोरेट मेथड दिया क्लासिफिकेशन का। और जो हर्बेरिया हैं वर्ल्ड के, दिस फॉलो बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हर्बेरिया फॉलो दिस सिस्टम, बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उन्होंने जब पूरा प्लांट किंगडम था उसको दो सब किंगडम में डिवाइड कर दिया, क्रिप्टोगेमिया एंड फिनेरोगेमिया, फिनेरोगेमिया में फिर तीन क्लासिफिकेशन कर दी, दैट वी विल डिस्कस सेपरेटली। सो दिस वाज द सेकंड अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स। सो नेचुरल सिस्टम में अब हमने क्या देखा, नेचुरल सिस्टम में लार्जर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वर कंसिडर्ड। सो मॉडर्न, सॉरी, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजी एंड एफिनिटी, बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी एंड एफिनिटी, मॉर्फोलॉजी प्लस एफिनिटी, रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है यहां पे, उसके ऊपर बेस्ड है। एंड लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स वर कंसिडर्ड, लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स मीन्स कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ ट्रेड्स वर कंसिडर्ड इन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बहुत सारे
कैरेक्टर्स को इंक्लूड कर लिया गया। और जो मॉडर्न डे की क्लासिफिकेशन है वो यही एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स को ही कंसिडर करती है। तो एक तरह से इसी पे एम्फेसाइज किया। पिछले में हमने देखा था वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों करेक्टर्स को कंसिडर किया गया, लेकिन इसमें फ्लोरल फीचर्स आर कॉमनली यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स बिकॉज रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर मोर कंजर्वेटिव। फ्लोरल पार्ट्स आर यूज फॉर एंजियोस्पर्म आइडेंटिफिकेशन, एंजियोस्पर्म आइडेंटिफिकेशन क्यों, एज रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर मोर कंजर्वेटिव, एज रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर मोर कंजर्वेटिव। जबकि अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं दे आर इजिली दे इजिली इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो जो एंजियोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स को एंजियोस्पर्म्स कहा जाता है। फ्लावरिंग प्लांट्स आर नोन एज एंजियोस्पर्म्स। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को ज्यादा कंसिडरेशन दी जाती है, उनकी क्लासिफिकेशन जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बेसिस पे की जाती है बिकॉज दे आर मोर कंजर्वेटिव। तो नेचुरल सिस्टम ज्यादा एफिनिटीज होगी, ज्यादा मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को, ज्यादा नंबर कैरेक्टर्स को और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पे ज्यादा एम्फेसिस करके ये क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया। और सबसे पहले या सबसे पहला अटेम्प्ट जॉन रे ने दिया, फॉलोड बाय जेसू एंड वाइड, जो सबसे वाइड था इट वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। कैंडोल ने कुछ नहीं किया, कैंडोल ने जो जुसू का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसको ही मॉडिफाई किया। तो बेंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो सबसे एक्सटेंसिव है, जिसमें मोर देन 97,000 प्लांट स्पीशीज वर एक्सप्लेन्ड और यू कैन से दे वर डिस्क्राइब्ड। अगर उसका हम एक ब्रीफ फ्लो चार्ट बनाए तो प्लांट किंगडम को उन्होंने क्या किया, प्लांट किंगडम में बेंथम एंड हुकर ने क्रिप्टोगैम एंड फिनेरोगैम्स, क्रिप्टोगैम या एंड फिनेरोगैमिया दो ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया। फिर फिनेरोगैमिया में डाइकोटिलेडनी, मोनोकोटिलेडनी एंड जिम्नोस्पर्म्स तीन क्लासेस कर दी, डाइकोटिलेडनी, मोनोकोटिलेडनी एंड जिम्नोस्पर्मी।